उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई दिग्गज 3 मई को फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के गांव पनहेरा खुर्द में आयोजित होने वाले विशाल भंडारे में पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम नाथ संप्रदाय के मशहूर अवधूत नाथ उर्फ बाबा खड़ेसरी द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नाथ संप्रदाय से हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहेंगे। लगभग 2 माह में योगी आदित्यनाथ का फरीदाबाद का ये तीसरा दौरा होगा। क्या नाम है आपका? योगी अवधूतनाथ। योगी अवधूतनाथ, योगी आप हैं और योगी को ही बुला रहे हैं अपने? हमारे संप्रदाय के हैं वो। आपके कौन सा संप्रदाय है आपका? हमारे नाथ संप्रदाय है। नाथ संप्रदाय है, किस लिए बुला रहे हैं आप और कब बुला रहे हैं? 3 मई के। 3 मई को तो किस लिए आ रहे हैं? वो कोई रैली है आपकी? रैली हो रही है, भंडारा है। भंडारा है, भंडारे में आ रहे हैं। जानते हैं आपको योगी जी? जानते हैं। कैसी तैयारी चल रही है, आप आयोजक हैं कार्यक्रम के? आयोजक तैयारी सही चल रही है। बता रहे हैं भंडारा आप कर रहे हैं? भंडारा भक्त कर रहा है, मैं काय को करता है। अच्छा, तो कितने गांवों के लोगों को और कहां कहां से लोग बुलाए हुए हैं भंडारे में आपने? भंडारे के तो पूरे पहले नंबर तो पूरे हरियाणा का भंडारा है और हमारे भक्त हैं हिमाचल से हैं, महरार से हैं और जहां जहां के मेरे भक्त हैं वहाँ से सब आ रहे हैं। तैयारी पूरी है? पूरी है। स्वागत अच्छा होगा। हाँ, आपके गांव में पहली बार आ रहे हैं योगी जी, तो कैसा स्वागत करेंगे? स्वागत तो साधुओं का जो जैसा स्वागत होता है। ठीक है, योगी जी के अलावा और कौन कौन सी शख्सियत आ रही है? हमारे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी आ रहे हैं। सहमति दे दी है? हाँ, सहमति दे दी। और इसके अलावा? और इसके दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं और से बहुत से नेता आ रहे हैं। ठीक, हमारे विधायक भी तो है ही। ठीक है, क्या नाम है आपका? डीके शर्मा। शर्मा जी, गांव के मौजूद लोगों में आप कहे जाते हैं योगी आ रहे हैं आपके गांव में जी, आदित्यनाथ योगी जी। कब तो आ रहे हैं, क्या उनका कार्यक्रम है? देखिए, हमारे जो यहाँ संत हैं ये 12 साल से तपस्या कर रहे हैं खड़े होके और इसीलिए इनका नाम खड़ेसरी महाराज हो गया है। ये भी नाथ संप्रदाय से हैं और योगी जी भी नाथ संप्रदाय से हैं, तो इन्होंने जाके वहाँ मुलाकात की, उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने हाँ करी है कि मैं आपके 3 तारीख के भंडारे में अवश्य वहाँ पधारूँगा और सब लोगों के वहाँ पर मुलाकात करूँगा। इसी उसमें ये खड़ेसरी महाराज जी मनोहर लाल खट्टर जी से मिले तो उन्होंने भी यहाँ 3 तारीख को 11 बजे आने के लिए इन्हें आश्वासन दिया है और ऐसी आशा की जाती है कि वो अवश्य ही यहाँ पधारेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा का ये प्रोग्राम है, किसी एक गांव का या एक आदमी का नहीं है। इसलिए ये संत महात्माओं का और पंचजनता का प्रोग्राम है। तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और कैसा लोगों में योगी के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, योगी की जो ख्याति है और योगी की जो कार्यशैली है वो रोज़ाना लोग देख रहे हैं टीवी पर, अखबारों में, और उससे एक बहुत ज़्यादा उत्साह है कि भाई ऐसे एक महंत के, ऐसे एक मुख्यमंत्री के भी दर्शन करेंगे जो कानून के हिसाब से बहुत अच्छा कर रहा है। इसलिए यहाँ बहुत उत्साह है लोगों का और बहुत ज़ोर से अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं। योगी जी से शर्मा जी बात करने का मौका मिले तो आप क्या बात करेंगे, क्या पूछेंगे उनसे? योगी जी से हम यही बात करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वो अपना काम चला रहे हैं और जिस तरह से लोगों के भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं वो इसे करते रहें, और हम ये चाहेंगे कि वो सभी को इस तरह से प्रोत्साहित करें कि सभी उनका जो काम में सहयोग करें और सभी के सभी अपने काम में अच्छे तरह से कानून के मुताबिक करते रहें। आपका कहना यही है कि दूसरे स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं उनको फॉलो करें? हाँ, उन्हें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और इसी तरह से काम करने चाहिए।